हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल किस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड लेक्चर रहेगा ये। दोस्तों देखना, एक्सरसाइज 4.4 में मैंने आपको 1 और 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप अगर उस क्वेश्चन को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप वीडियोज़ को देखें, तभी आप इसके आगे के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आज डिस्कस किया जाएगा। देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके सारणिक, ठीक है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो बने रहें लास्ट तक ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के साथ। दोस्तों देखना, देखना दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर देखना कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का, ठीक है, दूसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली है ना। देखना कैसे, ये देखो दूसरी पंक्ति यही तो है, ये क्या R2, ठीक है, रो 2, दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके, एक सेकेंड ये देखना, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों, ठीक है, अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके। तो शाखंड आप कैसे निकालेंगे, पहले आप मान्य निकालेंगे, ठीक है, उपसारणिक निकालेंगे, तो उपसारणिक से शाखंड आएगा, शाखंड के बाद को प्रोसेस बाद में किया जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले उपसारणिक निकालेंगे फिर शाखंड निकालेंगे जैसे पहले किया था हमने, फिर इसके बाद आगे आपको बताता हूँ। देखना दोस्त, पहले यहाँ क्या निकालेंगे, उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक कैसे निकाला जाता है, देखना, सारे एलिमेंट का तो आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना है केवल R2 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, कैसे निकाला जाता है, एम से निकाला जाता है ना, उपसारणिक को माइनर कहते हैं, तो M ये क्या होता है, 2 1, ठीक है, M 2 1 कैसे निकालेंगे कि देखना, इसके सामने वाला 0 हो जाता है ना, और इसके सामने वाला बीच वाला 0, बचा क्या, ऊपर 3 और 8, नीचे 2 और 3, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें, कैसे ऐसे, देखना देखना, ये 0 सामने वाला 0 हो गया, बचा यहाँ पर 3 और 8, और यहाँ पर बचा 2 और 3। ठीक है, आपको प्रश्न वाला दिमाग नहीं लगाना कि 2 भी आप इन 2 में लिखेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, 3 2 और सॉरी 3 8 2 3, तो इसको और आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और माइनस हो जाएगा 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 हो गया। अब जब आप इधर इधर क्या लिख लेंगे, इधर आप शाखंड लिख लें, ठीक है, इधर शाखंड लिखेंगे। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ तक तो माइनर आपका आ गया, शाखंड कैसे निकालेंगे, शाखंड को आप दिखाते हैं कैपिटल ए से, और क्या 2 1 का निकाल रहे हैं, 2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर, जो रो और जो कॉलम आप ले रहे हैं ऊपर उसको ऐड कर देंगे 2 प्लस 1, और इन टू में उसी का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा M 2 1। ठीक है, अब देखना -1 की पावर 3 गुणे में क्या है, M 2 1 ना अभी हमने निकाला, -7। ठीक है, तो देखना दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पावर किस में है, पावर विषम है ना, तो माइनस हो जाएगा -1 इंटू में, देखना -7 है तो -7 हो जाएगा, बराबर प्लस हो जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद क्या हो जाएगा, A 2 2, ठीक है, सॉरी M 2 2, तो क्या हो जाएगा देखना, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा कौन सा, दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, दूसरा रो ये है, इसके सामने वाला 0 और 1 और ये इधर इधर 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 5 8 और 1 और 3। ठीक है, 5 बचेगा 8 बचेगा 1 बचेगा और 3 बचेगा। देखना दोस्त सॉल्व करेंगे, 5 3 15 माइनस का 1 8 8, ठीक है, 1 8 जा 1 8, तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा पॉजिटिव का। अब आप क्या निकालेंगे, शाखंड निकालेंगे, तो A 2 2, ठीक है, तो क्या हो जाता है, -1 की पावर 2 प्लस 2, ठीक है, और उसी के माइनर से गुणा, तो माइनर क्या है, M 2 2, ठीक है, M 2 2, तो देखना आगे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू में कितना है, M 2 2 कितना है, M 2 2 कितना है, 7, तो आप जानते हैं कि पावर सम में है तो वही 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का और 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M 2 3, तो देखना दोस्त इसके सामने वाला रो ऊपर वाला कॉलम कैंसिल हो गया, देखना ये रो और कॉलम कैंसिल, बचा 5 3 और 1 2, तो यहाँ पर हो गया 5 3 1 2। सॉल्व करेंगे आप, 5 2 9 10, 1 3 3, यहाँ पर आ जाएगा 7, मतलब 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना, देखना दोस्त कितना आ गया, 7 आ गया ना। अब आप क्या निकालेंगे, शाखंड निकालेंगे, तो A 2 3, ठीक है, 2 3 का निकाल रहे हैं, तो देखना क्या हो जाएगा, -1 की पावर
टू प्लस का थ्री इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा उसी का उपस्थानिक, तो एम टू थ्री, एम टू थ्री देखना, माइनस वन की पावर कितना, दो तीन पाँच गुणे में एम टू थ्री, एम टू थ्री कितना सेवन है, तो आप जानते हैं पावर विषम का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का वन इंटू सेवन तो हो जाएगा माइनस का सेवन। तो यहाँ तक हमें लगता है आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखना, जब क्वेश्चन में कहा रहे कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसांडिक, ठीक है, क्या उपसांडिक नहीं, क्या कहा, शाखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, तो देखना दूसरी पंक्ति यही है ना, तो इसका अवयव, अवयव कैसे होगा, ए टू वन, अवयव को इसी तरह से करते हैं, ठीक है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इस तरह से अवयव होता है ना, पता है आपको, ठीक है, तो अवयव उसका अवयव और उसी का जो आपने शाखंड निकाला है कितना, ए टू वन, ठीक है, तो कैपिटल ए टू वन जोड़ेंगे आगे, इसी का अवयव ए टू टू इंटू में उसी का शाखंड कितना है, ए टू टू, कैपिटल ए टू टू, ठीक है, फिर प्लस का फिर लगाएंगे आगे उसी का, उसी का अवयव, तो ए टू थ्री और इंटू में उसी का शाखंड कैपिटल ए टू थ्री, ठीक है, और इक्वल, ठीक है, इतना कर देंगे। अब आप वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना दोस्त आगे, ए टू वन कितना है, टू है तो टू लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू में ए टू वन मतलब क्या है, शाखंड कितना है, सेवन लिख लेते हैं, प्लस का सिंबल लगाएंगे, ए टू टू अवयव दूसरा रो दूसरे कलम का अवयव जीरो है और उसका शाखंड कितना आया, सेवन आया, यहाँ पर देखना सेवन आया, इंटू में सेवन लिखना, ठीक है, पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे, अवयव कितना है, वन है ए टू थ्री का, और इसी का जो शाखंड है वो कितना है, माइनस का सात है, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा देखना, क्या हो जाएगा आगे, दो सत्ते चौदह, ठीक है, फोर्टीन, ये तो हो गया जीरो, यहाँ प्लस माइनस माइनस और सेवन वन जा सेवन, तो आगे कितना आ जाएगा सेवन, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको आगे मिलेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरा कहा था, अगर तीसरा कहेगा, पहला कहेगा या कॉलम कहेगा, रो कहेगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर चार क्या है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, तो तीसरा स्तंभ क्या है, देखना यही तो तीसरा स्तंभ है, ठीक है, सी थ्री यही तो है, का प्रयोग करके सारणिक, ठीक है, वन एक्स वाई जेड, वन वाई जेड एक्स और वन जेड एक्स वाई का मान याद कीजिए, बहुत ही आसान है, जैसे आपने इसको किया उसी तरह से इसको केवल और केवल कैलकुलेशन है इसमें बस, ठीक है। देखना दोस्त, ये रहा आपका क्वेश्चन, वही चीज़ें क्या हैं, फिर से क्वेश्चन देखना, तीसरे स्तंभ, ठीक है, तो तीसरा स्तंभ कौन सा, ये देखना, ये तीसरा स्तंभ हो गया सी थ्री, ठीक है, ये सी तीसरा स्तंभ हो गया, और शाखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, सबसे पहले आप माइनस निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो देखना माइनस कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पर कैसे, कि तीसरा स्तंभ है ना, तो देखना क्या हो जाएगा, एम क्या होता है यहाँ पर, यम वन थ्री, ठीक है, यम वन थ्री, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, क्या हो जाएगा देखना, सारणिक, इसके सामने वाला रो नीचे वाला कॉलम जीरो, वन वाई वन जेड, तो वन वाई वन जेड, आगे क्या करेंगे आप, वन का जेड से जेड माइनस का वन वाई जब वाई, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखना कॉलम थ्री में ये एम टू थ्री क्या हो जाएगा दोस्त, इसके सामने वाला रो जीरो कॉलम जीरो, वन एक्स और वन, वन एक्स और वन जेड, ठीक है, ये बचा आपका, क्या हो जाएगा देखना, वन जेड जेड हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, आगे जब आप और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम थ्री थ्री, ठीक है, रो और कॉलम जीरो हो जाएगा, वन बचेगा, एक्स बचेगा, वन बचेगा, वाई बचेगा, आगे क्या करेंगे आप, वन का वाई से वाई और वन का एक्स से एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको शाखंड भी निकाल लेना चाहिए था, ठीक है, चलो देख लेते हैं, चलो यहाँ पर अब हो गया, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उपसारणिक, चलो यहाँ पर ये उपसारणिक हो गया, अब शाखंड हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, शाखंड जब आप निकालेंगे तो क्या होता है, इसका एम वन थ्री का शाखंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वन थ्री माइनस वन की पावर, वही रो और कॉलम जोड़ देते हैं, वन प्लस थ्री जोड़ देंगे और इंटू करा देंगे क्या, उसी के उपसारणिक से, ठीक है, तो एम वन थ्री हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर फोर, तीन एक चार, इंटू में कितना हो जाएगा, जेड माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस वाई। अब आप जानते हैं पावर अगर क्या, अगर सम है तो वन ही आएगा, ठीक है, तो वन से कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आ गया जेड माइनस का वाई, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखना एम टू थ्री, ओ सॉरी ए टू थ्री, क्योंकि हम निकाल रहे हैं शाखंड, ए टू थ्री हो जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस का थ्री और इंटू में क्या हो जाएगा, उसी का उपसारणिक, ठीक है, तो एम टू थ्री यहाँ होगा।
तो माइनस वन की पावर 5 गुणे में जेड माइनस का एक्स। तो जब सॉल्व करेंगे आप जानते हैं कि जब पावर विषम होती है तो माइनस लग जाता है और जो आपका है जेड माइनस एक्स तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे माइनस जब आप अंदर प्रवेश कराएंगे तो जेड माइनस हो जाएगा लेकिन एक्स जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो आप पलट के लिख सकते हैं एक्स माइनस का जेड, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स माइनस का जेड, ठीक है। अब देखना ए थ्री थ्री तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर 3 प्लस का 3 गुणे में एम थ्री थ्री, ठीक है, समझ पाए बात आप। माइनस वन की पावर 6 इंटू में एम थ्री थ्री क्या हो जाएगा, एम थ्री थ्री क्या हो जाएगा, वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखना सम का है, पावर सम का है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का वन ही आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस का एक्स। अब आगे देखना दोस्त, ठीक है, आगे क्या करेंगे कि जो आपने देखना क्वेश्चन क्या है कि तीसरा स्तंभ है ना और शाखंड का प्रयोग करना, तो वही चीज़ अवयव का उसके इससे शाखंड से मल्टीप्लाई, फिर उसके अवयव का उसके शाखंड से, फिर उसके अवयव का उसके शाखंड से, ठीक है, देखना कैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे क्या करेंगे, अवयव क्या है, अवयव है ए वन थ्री और उसका जो थ्री है, ठीक है, उसका शाखंड कितना आया था, कैपिटल ए वन थ्री, प्लस का सिंबल लगाएंगे शाखंड, ये क्या है अवयव ए टू थ्री और इसका शाखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल ए टू थ्री, ठीक है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, अवयव क्या है ए थ्री सॉरी स्मॉल ए थ्री थ्री और इंटू में इसका जो शाखंड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए थ्री और थ्री। देखना दोस्त ए वन थ्री का जो आपका अवयव है कितना है, वाई जेड है, वाई जेड लिख लो, ठीक है। अब देखना ए वन थ्री कितना है, ए वन थ्री देखना ए वन थ्री जो है वो जेड माइनस का वाई, तो आप जेड माइनस का वाई लिख लेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, ए टू थ्री अवयव, ठीक है, जो है एलिमेंट, ये देखना क्या है जेड एक्स है और यहाँ पर क्या है एक्स माइनस का क्या है, एक्स माइनस का जेड है, ठीक है, जो आपका क्या है शाखंड है ए टू थ्री वो क्या है एक्स माइनस का जेड, तो यहाँ पर एक्स माइनस का जेड लिख लेंगे और प्लस का सिंबल लगाएंगे, ए थ्री थ्री जो है अवयव जो है वो एक्स वाई है और इसका जो शाखंड है वो क्या है वाई माइनस का एक्स है, बस काम खत्म, वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस का एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व करेंगे आप। पहले तो आप क्या करें कि अंदर मल्टी वो क्या करें, अंदर पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई का वाई जेड का जेड से कराएंगे, तो देखना दोस्त समझना, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड 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 स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस सिंबल लगाएंगे, वाई यहाँ भी वाई यहाँ भी, तो वाई का स्क्वायर इंटू में जेड, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है। आगे क्या करेंगे आप देखना, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिया, जेड है और जेड एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, गुणा में कोई दिक्कत ना करना। अब देखना यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स साथ में है तो एक्स लिख लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखना यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख लो, वाई इंटू वाई, तो वाई का स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई यहाँ है और माइनस का एक्स यहाँ, तो माइनस लगा दिया, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है आपको, जो एक्स वाले कोफिशियंट हैं उनको कैसे करेंगे, देखना देखना क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाले कोफिशियंट को एक साथ ले लेना, ठीक है। तो देखना एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। देखना ये वाला चीज़ देखना, ये चीज़ें देखना, ये वाला एलिमेंट और ये वाला देखना। अगर हम क्या कर लें, यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो अगर हम क्या कर लें एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, अगर हम क्या कर लें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इक्वल लगा लेना आप, ठीक है, इक्वल यहाँ भी लगा लेना, यहाँ डेल्टा कर लेना, ठीक है, यहाँ पर इक्वल लगा लेना। अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल जेड बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का वाई, ये चीज़ समझ गए आप। अब देखना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, अब देखना एक्स पर आना, ठीक है, एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है, देखना देखना यहाँ पर क्या, यहाँ पर जेड इस माइनस का जेड स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला देखना। तो क्या करेंगे आप, ये देखना यहाँ से अगर आप प्लस एक्स एक्स कॉमन ले लें, प्लस एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखना पहले यहाँ देखना, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जो बचा आपका यही बचा रहा है, ठीक है, तो प्लस का सिंबल लेंगे और क्या कॉमन है यहाँ पर, यहाँ से वाई जेड दोनों कॉमन है, ठीक है, तो वाई और जेड कॉमन ले लेना, बचेगा आपका केवल और केवल यहाँ पर जेड माइनस का वाई, ये चीज़ आप समझ गए होंगे अब तक, ठीक है।
अब क्या करना आपको ये देखना, देखना क्या करना आपको, एक लाइन आप और लिखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ जेड माइनस वाई कर दें, यहाँ प्लस का एक्स है, देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस का जेड, एक देखना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में हो गया और वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पर वाई जेड बचा और यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस का वाई, ठीक है, जेड माइनस वाई हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप देखना, यहाँ भी वाई जेड माइनस, या सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड माइनस का वाई यहाँ है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जेड माइनस का वाई यहाँ भी है और यहाँ पर क्या है, वाई माइनस का जेड है, ठीक है, तो क्या करेंगे देखना, करेंगे क्या, यहाँ पर देखना दोस्त, यहाँ पर जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, लेकिन यहाँ वाई माइनस जेड है, ठीक है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड माइनस का वाई हो जाएगा, तो देखना क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लें, यहाँ जेड माइनस का वाई लिख लें, अगर हम क्या कर लें यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे केवल और केवल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो माइनस का एक्स और जेड माइनस का वाई, और यहाँ पर वाई प्लस का जेड है ही है, और यहाँ पर वाई जेड है, और यहाँ पर जेड माइनस का वाई, अब सही है, ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, जेड माइनस का वाई, जेड माइनस का वाई हमने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या आपका वो देखना, ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, केवल बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेना, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा माइनस का एक्स और वाई प्लस जेड, तो माइनस का एक्स से जब कराएंगे वाई में तो माइनस का एक्स और वाई हो जाएगा, और माइनस का प्लस से कराएंगे तो माइनस एक्स और जेड हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझ गए होंगे, ठीक है, अब देखना यहाँ से हमने क्या लिया, जेड माइनस का वाई ले लिया, तो प्लस लगाएंगे वाई जेड से, ठीक है, वाई जेड से आप करेंगे, अब क्या करेंगे आप देखना, जेड माइनस का वाई है, ठीक है, अब कॉमन कहाँ मिल रहा है, ठीक है, कॉमन देखना, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से जेड कॉमन ले लो, ठीक है, तो अगर यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस का वाई बच गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है, अब देखना जेड माइनस का वाई है, जेड माइनस का वाई लिख लो, ठीक है, जेड माइनस का वाई हो गया, और देखना क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, और क्या बचा आपका, एक्स माइनस का जेड, ये बच गया, देखना यहाँ पर कॉमन था दोनों में ना, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर केवल बचा एक्स और यहाँ पर बचा माइनस का जेड, तो आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, जैसे आपने आंसर में आया होगा, जैसे आपका क्या आया होगा कि एक्स माइनस का वाई पहले है, वाई ठीक है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक्स माइनस वाई, देखें दोस्त जो आपका आंसर आया है ना वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आया, ठीक है, तो देखना एक्स माइनस वाई तो हमने पहले लिख लिया, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है, देखना क्या क्या है कि वाई पहले जेड में बाद में, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, देखना अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस का जेड हो जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस का एक्स, जेड पहले और एक्स, अगर यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन और माइनस वन ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका केवल और केवल यही बचेगा कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस का एक्स, ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, अब देखना दोस्त क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है आपका, केवल ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखना यदि, ठीक है, सारणिक दिया गया है, आप जानते हैं A11 A12, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, और Aij का, ठीक है, ये Aij क्या है कि रो और कॉलम है, ठीक है, का शाखंड Aij, ठीक है, शाखंड दिया गया है, आप Aij क्या होगा, एलिमेंट होगा, और Aij ये वाला क्या होगा, कैपिटल वाले में शाखंड होगा, तो सारणिक का मान के रूप में ज्ञात कीजिए, देखना दोस्त मैंने आपको अभी बताया कि कैसे करते हैं, इस जो आपको भी बताया था ना पीछे, ये देखो इस तरह से क्वेश्चन किया अभी ये, ठीक है, आगे ऊपर यहाँ पर देखना, ये देखो अभी इस तरह से क्वेश्चन किया, इसके पहले वाला भी किया, तो क्या हो जाएगा कि जिसके जो अवयव होगा उसी के साथ का शाखंड, ठीक है, तो देखना यहाँ पर A11 अवयव है, इसके साथ शाखंड क्या है A31, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है, अब यहाँ देखना अवयव, देखना A11 हाँ यहाँ सही है, आगे क्या है A11, ठीक है, अवयव A11 लेकिन शाखंड A21 हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखना A21 है अवयव,
और शाखंड क्या ए वन वन, तो यहाँ भी ए भी गलत हो गया, ये वाला सही होगा क्योंकि ए वन वन अवयव है, तो उसके साथ मतलब उसके साथ जो शाखंड क्या आएगा ए वन वन, यहाँ भी ए टू वन अवयव है तो यहाँ भी शाखंड ए टू वन, और यहाँ भी अवयव ए थ्री वन है तो उसके साथ शाखंड ए थ्री वन, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि और अधिक बच्चे उनसे जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।